माननीय निशंक के जी से निवेदन करता हूँ। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हिंदुस्तान ही तो एकमात्र ऐसा देश है जो उत्सवों का देश है, जिसमें 365 दिनों में 366 उत्सव होते हैं, और आज भी एक उत्सव है, वार्षिक उत्सव। और उत्सव तो वही समाज मना सकता है जिसमें दम हो, जिसमें क्षमता हो, जिसमें हर प्रकार का वो सब कुछ शक्ति समाई हो, जिसके चेहरे पर लालिमा हो, उत्साह हो, उमंग हो, प्रखरता हो, जिसमें कुछ देने की अभीप्सा हो, लालसा हो, जो कुछ दे सकने में सक्षम हो, जो समृद्ध हो, सशक्त हो, हर दृष्टि से जो संपन्न हो, वही समाज, वही व्यक्ति उत्सव मना सकता है। रोने वाला समाज, रोने वाला व्यक्ति कभी उत्सव मना ही नहीं सकता। और मुझे यहाँ के सांसद होने के नाते देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर आए हैं पूज्या महाराज जी के उसमें, विभिन्न देश के सभी क्षेत्रों से आप आए हैं, और मेरी बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ पर आई है, क्योंकि ये प्रदेश तो नारी शक्ति का प्रदेश है। यहाँ हर कदम पर शक्ति के पीठ हैं, और यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवता भी वही वास करते हैं। ये हम लोगों ने इस हिमालय से सीखा है, इस हिमालय की संस्कृति रही है, और इसलिए आज बड़ी संख्या में, ये भी संयोग है, पिछली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया, और सम्मान ही नहीं बढ़ाया, जिन्होंने भारत की प्रगति के उसके शिखर तक पहुंचाने के लिए, आप सब जानते हैं। और एक अजीब सा संयोग था कि एक ओर योग ऋषि थे, और उसी दिन उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी जा रही थी, और वो आज आज पर योग ऋषि हैं। और यह भी हरिद्वार की ही धरती पर हुआ, ये भी पूज्या रामदेव जी के ही उस दिव्य स्थल पर हुआ, साधना स्थल पर हुआ। तो ये जो हरिद्वार है, ये माँ गंगा का जो तट है, इस तट पर अद्भुत संयोग हो रहे हैं पूरे विश्व के मानव के कल्याण के लिए। मेरा भारत तो विश्वगुरु है, रहेगा और था, और इसलिए जो फिर वो चीज़ें दबी हुई थी, कहीं हम भूल से गए थे, वो फिर एक बार उसी शंखनाद के साथ, गर्जना के साथ, पूज्य रामदेव जी ने जो ललकार लगाई है यहाँ माँ गंगा के अनवरत हिमालय की, अब उन कंदराओं से, चट्टानों से टकरा टकरा कर सारे विश्व के कल्याण के लिए जिस तरीके से गंगा के रूप में ये प्रवाहमान हुए हैं, हम सबका गौरव है। और आज एक बार हम सब लोग मिलकर के पूज्य हरिश्चेतानंद जी महाराज जी को, जिनका आशीर्वाद हमको हमेशा ही मिलता रहा है, उनको हम सब लोग हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी प्रचारक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन के रूप में रहे हैं, और जमीन से जुड़े रहे हैं निश्चित रूप में, क्योंकि ये देवभूमि है, ये देवभूमि का ऐसा राज्य है जो सारी दुनिया के लिए ये अद्भुत है। जब भी दुनिया का मानस हताशा, निराशा और कुहासा से होकर के गुजरता है, तब तब वो इस धरती पर आता है और एक नया जीवन लेकर के वापस जाता है। और इसलिए राजसत्ता और धर्म सत्ता, इन दोनों का यदि अभूतपूर्व सम्मिश्रण, समन्वय यदि है और रहना ही चाहिए, तो उत्तराखंड की देवभूमि धरती है, और हमेशा और हमेशा से ये परंपराएं आगे बढ़ती हैं। इसलिए हम इस सत्ता पर, जो हमारे धर्म की सत्ता है, इस पर हम इनके चरणों में हम नतमस्तक हैं, क्योंकि हमारी उस भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। मेरा यही राज्य तो जिसमें वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है, आयुषवेदा आयुर्वेद का जन्मदाता भी यही प्रदेश है, और इस योग का भी जन्मदाता, जिस योग और आयुर्वेद को लेकर के आज हमारे पूजा स्वामी जी सारे विश्व में, जब भी हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री सबसे पहले ये पूछता है, जब हम हिंदुस्तान आएंगे तो बाबा जी से मिला देंगे आपके, नहीं मिला देंगे। मुझे याद आता है 2007 में मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे एक हमारी पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए, वो आइए बाद में सबसे पहले कहते हैं उनको हम मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। ये हमारा गौरव है, और इस धरती पर ये जो समन्वय का इतना अद्भुत क्षमता, निश्चित रूप में हम सब एक बार
हृदय की गहराइयों से स्वामी हरिश्चेतनानंद जी का अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इसलिए जाने की अनुमति है, जाओ। मैं अब अजय भट्ट जी से निवेदन करता हूँ। मैं क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने विद्वत जन, इतने विद्वान जिनका आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं और जिनको आज मिलाया है स्वामी चैतन्यानंद जी ने, हम सब हरि चैतन्यानंद जी ने, जहाँ रामदेव जी जैसी हस्ती हो जिन्होंने भारत को एक नया गौरव दे दिया। और तो और, वो कॉलगेट पहले से ये चलता था, बच्चे उठते थे टेलीविजन में, कॉलगेट किया कि नहीं, एक समय ये चलता था कॉलगेट, वो नहीं होता था, ब्रश करने को ही कॉलगेट कहने लगे थे, कॉलगेट किया कि नहीं। मैं आज कुछ दिन पहले देख रहा था पहले पृष्ठ पर सारे अखबारों के, जैसे आपका दंत क्रांति है तो उसने लिख दिया है कॉलगेट ने भी, इसमें नमक है, इसमें लौंग है, इसमें फलानी चीज है, यानी कि नीम है, वो सारी चीज पर चल पड़ा है। यानी कि पूरे विश्व में भारत का डंका बोल गया, जो हमारी आयुर्वेद का तत्व था वो तत्व आज वो भी मानने लग गए जिन्होंने लूट दिया था भारत को, इतने बड़े संत। पूरे देश में जिनका सम्मान नहीं, विश्व में सम्मान है, इतने बड़े संत, उनके सामने क्या बात हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जिनके बारे में पहले ही कह दिया, जो संतों के बीच में आ जाए, पहले कोई तो लालच से आते हैं, कोई लोभ से आते हैं, कोई इससे आते हैं कि हमें शायद संतों का आशीर्वाद कल को चुनाव के दौरान जीत जाएं या जो भी हो इसके लिए। पर ऐसे मुख्यमंत्री जो संतों के लिए हमेशा लड़े हों, चाहे राम मंदिर का रहा हो, चाहे कहीं रहो हो, आरएसएस के प्रचारक रहे हो, एक झोला कंधे में लटकाया और चल दिए भिक्षाम देही, हर जगह पर भिक्षा जैसे लेते हैं प्रचारक उस तरह से गए हों, तो ऐसे व्यक्ति आज जो संतों के बीच में यहां पर रहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री रावत जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और लोग बोलेंगे, कि जो हरि चैतन्य महाराज जी हमको हर साल मिलाते हैं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार, हल्की बात नहीं है। जैसे हमारे वहां तो कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम करता बिन सुलभ न सोई। यहां तो सारा सत्संगी सत्संग हो रहा है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हरि चैतन्य महाप्रभु ही कह देता हूं मैं आपको, जो इनको सबको हमको मिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, संतों को क्या लेना क्या देना, किसे देंगे नहीं देंगे, जरूरत तो हमारी है, मनुष्य तन में हम आए हैं, लाख कमाले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती, कल को आदमी को जाना ही जाना है, जरूरत हमें है आशीर्वाद की, हम लोगों के ऊपर छत्र छाया बनी रहे। ये शरीर तो एक दिन छूटना ही है, अब महाराज जी ने कितना बड़ा प्रकल्प खड़ा कर दिया, यहां यहां नहीं विश्व में, नागपुर में, कहां कहां विश्व के और जगहों में, हिमाचल में, शरीर तो जाएगा एक दिन, सब जानते हैं, क्योंकि संतों की सभा है, सत्य सब जानते हैं यहां। लेकिन जो चीज देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए देके जा रहे हैं वो अद्वितीय है। भारत माँ का मंदिर हमेशा रहेगा, तुलसी मंदिर हमेशा रहेगा, हमारा अखाड़ा हमेशा रहेगा, जितने निर्माण हमारे साधु संत कर रहे हैं हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं बहुत ही करबद्ध निवेदन हृदय की गहराइयों से करता हूं कि आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ईमानदार बने और हम डगमगाए नहीं, हम न्याय का आचरण कर सकें, हम धर्म का आचरण कर सकें। जिस तरह से पहले राजगुरु रखते थे, धर्म गुरु रखते थे, उस तरह से आपकी आज्ञाओं का पालन हम कर सकें, ये हमको आशीर्वाद दीजिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की, सारे संत समाज की जय। अब मैं माननीय मदन कौशिक जी कैबिनेट मंत्री, उनसे निवेदन करता हूँ। एक ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज एक तो आशीर्वाद इस रूप में चाहते हैं, आने से पहले एक निर्णय आज उत्तराखंड की कैबिनेट ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उसका आशीर्वाद चाहते हैं। आज हमने एक नई योजना शुरू की है, जब हमारे राज्य में कोई बेटी पैदा होगी, पैदा होते ही
जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनके अकाउंट में 5,000 रुपये। जब वो लड़की कक्षा 6 में आएगी एक्स्ट्रा 5,000 रुपये, जब वो लड़की 8th क्लास में आएगी फिर 5,000, जब वो 12वीं में आएगी फिर 5,000, जब बीए करेगी फिर उसके 8,000, जब शादी होगी 16,000। यानी शादी तक वो लड़की इस राज्य में, इस राज्य की सरकार ने उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाने का निर्णय लिया और 51,000 रुपये उस बिटिया को हम उसके अकाउंट में भेजें। ये निर्णय लेकर आज हम यहाँ आए हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, वास्तव में सौभाग्य हम सबका है, आपका भी है, कि इतने साथ एक साथ इतने संतों के दर्शन हम करते हैं। वरना मिलके दिखा दियो रामदेव जी को, कोई वो खड़े बाहर पुलिस वाले कहाँ जाने देंगे आपको और हमें भी, दो दो चार चार खड़े। लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल नजदीक है, देखो हाथ सच में लगा। तो पूज्य संतों का आशीर्वाद हमारी सरकार को प्राप्त हो। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्णय ऐसे लिए हैं जो आज देश भर में वो निर्णयों की सराहना हो रही है। एक इस सरकार को ये आशीर्वाद पूज्य संतों का मिले, ये सरकार इस प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ाए, केवल यही आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सभी संतों की। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के कर्मठ एवं सुयोग्य महंत साहिबान रघु मुनि जी महाराज जी हमारे मध्य में, आपसे मैं चाहूंगा अति स्वल्प समय में आशीर्वाद आपका प्राप्त हो। परम वंदनीय परम पूजनीय महंत साहिबान रघु मुनि जी श्री महंत, सदगुरु की कृपा, आप लोग सदगुरु के कृपा का ही फल है जो त्रिवेणी संगम में आज यहाँ बैठ के डुबकी लगा रहे। एदनी संतों के दर्शन, इस सदगुरु की तो कृपा है। माँ भागीरथी गंगा की दर्शन, इस सदगुरु की कृपा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी सदगुरु की कृपा है। तो आपको घर बैठ के त्रिवेणी संगम में अगर कोई डुबकी लगा सकते तो सदगुरु ही लगा सकते। तो मैं इतना आज कहना चाहता हूँ, आप हमेशा यही परमपिता परमेश्वर की चरणों में यही प्रार्थना करना, जे हमारे हृदय में हमेशा सदगुरु विराजमान रहे। अगर आपके हृदय में सदगुरु विराजमान है तो आपको घर बैठ के सारी देवी देवताओं का दर्शन हो जाएंगे। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा, जीवन में भरोसा करो, विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करना। जीवन में व्यस्तता में रहो, लेकिन जीवन को अस्त व्यस्त मत करना। इसके मिसाल हमारे बाबा जी है, कितनी व्यस्तता है लेकिन कभी अपने आप को अस्त व्यस्त नहीं। अगर हरि को चिंतन करना है तो हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय महामल्लेश्वर हरिचित्तानंद जी से सीखिए। हरि का चिंतन कैसा करना है, जब आप व्यासपीठ में विराजमान होते हैं उनके कंठ में स्वयं माँ सरस्वती विराजमान हो जाते, इससे ज्यादा आपको क्या चाहे ना। आप हरि का तो चिंतन करते चेतना के साथ, अगर हम हरि की चिंतन करें लेकिन हरि मन कहीं और फटके तो हम अपनी दशा और दिशा से अलग हो जाए। तो इसीलिए कुछ भी कार्य करना है उसको टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे मल्लेश्वर जी के एक ही उस समय ध्येय होते हैं, जो स्वयं ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, हम ठाकुर जी को कथा कर सबन सुना रहे हैं। भागवत क्या है, भागवत महापुराण स्वयं किशन जी का स्वरूप है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे मल्लेश्वर जी की दीर्घ आयु हो, शरीर स्वास्थ्य रहे। आप लोग इनके लिए यही प्रार्थना करें, आपके कंठ में माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहे और इसी तरह से भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनाते रहे और इसी तरह से संतों का दर्शन कराते रहे, यही गुरु की कृपा है। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब मैं भारत माता मंदिर के संस्थापक और परम श्रद्धेय परम पूज्य, ये अपना अपना भाग होता है, हमने कई जगह जमीन देखी, लेकिन आज से 20-30 वर्ष पहले मुझे पूज्य स्वामी जी महाराज के पास में रहने का अवसर मिला। लोग हमसे पूछते थे कि आप कहाँ रहते हैं, हमने कहा हम वहाँ रहते हैं जहाँ का एक सन्यासी पूरे विश्व में
भारतीय संस्कृति की पताका को लहरा है, हम वहां रहते हैं। हम ऑटो वाले से और कुछ नहीं पूछते थे, हम तो कहते थे हमें वहां ले चल जहां पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी रहते हैं। इन्होंने बनाया भारत माता मंदिर। उसके बाद मैं निवेदन करूं, योग प्राय मैं ये समाप्त तो हो गया था, ये नहीं कह रहा हूं, थोड़ा आवरण जैसा पड़ गया था, कहीं योग की चर्चा नहीं होती थी। फिर एक ऐसा योगी आया और हम तो ये मानते हैं महाराज कि हर हर की जगह आपने घर घर योग को पहुंचाया। आपने जो किया है वो आप भारत ही नहीं पूरा विश्व आपका ऋणी है। शायद योग और आयुर्वेद को विश्व पटल पर रखने में अगर किसी का नाम लिया जाता है और योग दिवस भी अगर किसी की देन है वो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी की है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन जो एक बात कही, शायद लोग कई लोग टेलीविजन में के पास बैठते हैं, हम तो ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कहा था मैं पतंजलि योगपीठ का एक सदस्य हूं, उसका मतलब मैं योग का एक सदस्य हूं। और बाबा जी ने तो तब, क्योंकि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब योग भी कराया, और आज बहुत अच्छी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी योग को विश्व पटल पर रखा। लेकिन उसमें देन बाबा रामदेव जी महाराज की है। पूज्य बाबा जी ने यहाँ भारत माता मंदिर बनाया, उधर उन्होंने जो है दिव्य योग मंदिर बनाया, पतंजलि योग पीठ बनाई। हम तो दोनों तरफ से निकलते हैं, दोनों को वंदन करते हैं। स्वामी जी की बड़ी कृपा, आप आशीर्वाद देने के लिए आए, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपना पवित्र पावन आशीर्वाद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बढ़िया आशीर्वाद दे दो, जे बिल्कुल जगमगाते रहे। ओम विश्वानेव सवितर दुर्दानि परासुभ यद्भद्रं तन्नासुभ। आज की सभा के अध्यक्ष पूज्यपाद योग ऋषि रामदेव जी महाराज नाथ मंच पर विराजमान समस्त संत मंडल, किसी का नाम रह जाएगा तो मुझे मन में बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। 85 वर्ष की आयु में बोलने के लिए बुलाया मुझे हमारे महामंडलेश्वर चैतन्यानंद जी ने, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रायः लोग जब वृद्ध हो जाए तो कुछ को बुलाते नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरिद्वार तो अपने अपने तीर्थ है, लेकिन बहुत वर्षों के बाद, कई कालों के बाद, कभी कोई ऐसा महापुरुष आता है जो नए तीर्थ का निर्माण करता है। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, और तीर्थ में तीर्थ तो प्रतिष्ठित करता है, ऐसे एक नए तीर्थ के निर्माता पतंजलि पीठ के वह रामदेव जी महाराज, उनका इतिहास में लोग महात्माओं को प्रणाम करते, बड़ी अच्छी बात। लेकिन योग ऋषि रामदेव जी महाराज ने एक बड़ा काम किया। मैं बड़ी देर से सोच रहा था, अपने अपने गुरुओं को तो सब लोग प्रणाम करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन रामदेव जी महाराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के करोड़ों लोग आपको अपनी श्वास में बसा लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। श्वासों के साथ जुड़ जाने वाले महापुरुष, और हमारे हरिचैतन्य जी महाराज, अभी एक आवश्यकता रह गई, योग पहुंच गया, लगभग घर घर पहुंच रहा है, अब केवल हरि की चेतना बाकी है। मुझे विश्वास है कि जैसा ये सम्मेलन आज हुआ, ऐसे देश में अनेक सम्मेलन उनके द्वारा होंगे और हरि की चेतना मानव के मन में जाएगी। हमारे वक्ता माँ कांतानंद महाराज मंडलेश्वर ने कहा था कि चैतन्य की आवश्यकता, देश में चैतन्य भी नहीं आया, अभी कर्तव्य बुद्धि नहीं आई। अभी मैं भारत माता का पुत्र हूँ, वो मेरी प्रथम पूज्य है, ये भावना भी जागृत नहीं हो पाई। मैं कला परिषद के पूज्य महान स्वामी जी महाराज नरेंद्र गिरी जी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी भी तपश्चर्या का लाभ मिले और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी देवता को मानता हो लेकिन सबसे पहले भारत माता को मानने लगेगा तो मेरा विश्वास है कि दीवारें टूट जाएं, चेतना में हरि आ जाए तो हरिचैतन्यानंद जी महाराज का नाम सार्थक हो जाएगा। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि देश के प्रत्येक प्रांत में आप संत सम्मेलन करिए, मैं वृद्धावस्था में भी आपकी सेवा करने का प्रयत्न करूँगा।
दो वस्तुओं को याद रखना है, एक हरदम मन में विचार रखना है, सामान्य राष्ट्र का व्यक्ति है जिसने सारे संसार को ज्ञान ध्यान बुद्धि योग शून्य गणित खगोल जितनी विद्याएं हैं सब प्रदान की, वो प्रतंत्रता के कारण विस्मृत हो गए थे। उस स्मृति को दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को प्रणाम करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने प्राण दे दिए और सूली पर चढ़ गए, लेकिन फांसी पर चढ़ते चढ़ते जब उनसे भगत सिंह से पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, उन्होंने कहा मरने की कोई इच्छा नहीं, बड़े प्रेम से मरूं। अंग्रेज ने कहा ये बायलॉज में लिखा है, अंतिम बार एक बार पूछना चाहिए। भगत सिंह ने कहा पीछे पड़ गए हो तो जितने अंग्रेज लोग तुम्हें साफ खड़े हो जाओ सामने, 100, 200, 400 इकट्ठे हो गए। भगत सिंह ने कहा मेरी केवल एक इच्छा, मैं जा रहा हूँ ना, तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं कहूँगा इनकलाब और तुम बोलो जिंदाबाद। ये आश्चर्य की बात, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ युवक अपने देश को जीवित रखने के लिए परकियों के मुख से इस देश की स्वतंत्रता का मंत्र बोलवा कर गया। मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। सन्यासी बहुत महान है और शहीद उससे छोटा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सन्यासी को माला मिलती है, उसे अभिनंदन पत्र मिलते हैं, उसका अपना आश्रम होता है, उसके अनुयायी होते हैं, लेकिन शहीद के प्राण जब सियाचिन में चले जाते हैं, जब कश्मीर में चले जाते हैं, जब लद्दाख लेक में चले जाते हैं, जब नागालैंड में चले जाते हैं, उसे तो केवल ताबूत मिलता है, उसका छोटा सा गांव मिलता है। इसलिए मैं तो प्रणाम करता हूँ, पहले शहीद को प्रणाम करता हूँ, फिर सन्यासियों को प्रणाम करता हूँ, फिर मैं प्रणाम करता हूँ उस देश के उस गौरवमयी गाय को जिसने इस देश को जीवित रखा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय के नाम पर जो बातें हो रही हैं बीच में चित्र आ जाते हैं वो बड़े दयनीय हैं। इसलिए गाय माता, भारत माता, योग और हर के चेतना में हरि और शहीदों का प्रणाम, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। शहीदों को प्रणाम। आज की सभा में विराजमान क्योंकि मैं 57 वर्ष मुझे प्रवचन करते हुए लेकिन एक भी दिन मैंने प्रवचन किया नहीं, क्षमा करिए। मंगलाचरण करने के बाद मैं सोचता हूँ जितने मेरे श्रोता हैं सब मेरे भगवान हैं, जितनी बहनें वो सब मेरी सीता हैं, जितने भाई हैं सब मेरे राम हैं, जितने बैठे संत हैं सब मेरे गुरु वशिष्ठ हैं। इसलिए मैं प्रवचन नहीं करता, मैं अपने मस्तिष्क की डलिया से जैसे वैसे फूल हों उनको निकाल कर आपको समर्पित करने का प्रयत्न करता हूँ। आज महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पुजारी अपने अर्चक कर्तव्य का पालन करने का बुढ़ापे में अवसर दिया। 86 का प्रारंभ होने वाला हूँ, ऐसे अवसर पर आपका पुजारी सत्यमित्रानंद आपके ऊपर शब्दों के पुष्प वर्षा करके आपको प्रणाम करता है, सबको प्रणाम करता है, विश्व को प्रणाम करता है। धन्यवाद। और हमारे मुख्यमंत्री जी महाराज सबसे पहले आए भारत माता की आरती की, आनंद आ गया उस दिन, पूरी आरती में खड़े रहे। अब उनकी उपस्थिति से तो पूरा पूरा उत्तरांचल आनंद आनंद में, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्रांत का जैसे रामदेव जी महाराज सबके हैं, अरे उत्तराखंड के हमारे योगी, और अभी 4 दिन पहले मैं मिल के आया, मेरी पधरावनी कराई लखनऊ में एक योगी। अब मुझे लगता है इस देश में जितने योगी हैं सभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब बड़ा आनंद आएगा, और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी से कम नहीं, जिन्होंने अपने जीवन के अनंत अनेक वर्ष प्रचारक बन करके काम किया। प्रचारक योगी होता है क्योंकि उसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, वो देश के लिए जीता है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मदन जी, कौशिक जी, हमारे बहुत बड़े जितने सब अधिकारी, मेयर महोदय और हमारे जितने और जितने भी अधिकारी हैं, ये यतीन्द्रनंद जी महाराज, उन सभी लोगों को, जबकि मैं सबको प्रणाम कर ही चुका हूँ,
इसलिए अलग से न भी करो तो कोई चिंता की बात नहीं, उनको भी प्रणाम करता हूँ और मुख्यमंत्री जी के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भारत माता का मंदिर जैसे यहाँ पूज्य होता जा रहा है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में कोई एक मुख्यमंत्री आदर्श हो, वो उत्तराखंड का हो और वो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, और उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अनुरोध है कि आप आशीर्वाद देने की कृपा करें, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। आश्रम के इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे बीच में वयोवृद्ध हमारे संत, और जिन्होंने एक नई धारा खड़ी की राष्ट्रवाद की भारत माता मंदिर की स्थापना करके, ऐसे हमारे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज, और आज के कार्यक्रम के आयोजक हरि चेतनानंद जी महाराज, सभी संतगण अखाड़ा परिषद के हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी, बड़ा अखाड़ा उदासीन अखाड़ा के श्री महंत जी, सभी पूज्य संतगण, भाइयों और पत्रकार मित्रों, कांवड़ मेला आने वाला है, करोड़ों लोग उसमें आते हैं देश भर से, और उस दृष्टि से हमको आज यहाँ पर अपने प्रशासन के लोगों के साथ बैठना है। यात्रा भी इस बार बहुत अच्छी चल रही है, जितनी यात्रा हमारी पिछले सालों में जून आखिर तक होती थी उतनी अभी तक हो चुकी है। 10 लाख यात्री चार धाम की यात्रा पर अभी तक आ चुका है, और वो जो संतों के आशीर्वाद से कोशिश हो रही है कि यात्रा पूरी तरह नियंत्रण में रहे, लेकिन विशेष रूप से हमारा केदारनाथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत लिमिटेड है हमारी रहने की संख्या, 4,500 लोग वहाँ पर एक समय में रह सकते हैं, और भक्तों की संख्या इससे ज़्यादा है। रोकने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, भी बहुत ठंडा है, रात को बर्फ़ पड़नी पड़नी है, कहते हैं कोई नहीं, बाबा की जैसी इच्छा। बड़े संकट हो जाता है, धर्म संकट हो जाता है कि उनको रोकें, कैसे रोकें, तो हमने कहा कि भाई ऋषिकेश से ही ब्रेक लगाना शुरू करो, थोड़ा ऋषिकेश में रुकें, थोड़ा हरि आगे जाकर श्रीनगर में रुकें, थोड़ा रुद्रप्रयाग में रुकें, थोड़ा अगस्त मुनि में रुकें, ऐसे हर पड़ाव पर थोड़ा प्रयास करिए। और कोई भी यात्री अगर केदारनाथ जी की तरफ जा रहे हैं तो हमने इस बार एक नई शुरुआत की, रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन, आते समय जब लौट के आएंगे तो हम उनको फिर डी रजिस्टर करेंगे और उनको कोई ना कोई चीज़ यादगार के रूप में देंगे कि आपने बाबा के दर्शन किए। ये इस बार हमने एक नई शुरुआत की ताकि ये रह सके कि हमारे जो लोग जो देश भर से दुनिया भर से श्रद्धावश यहाँ पर आ रहे हैं उनका पूरा ख्याल ये सरकार करे। हर 2-2 किलोमीटर पर डॉक्टर्स की चौकी बनाई है, हर 2 किलोमीटर पर, और इसलिए सरकार की कोशिश है कि यात्रा बहुत तरीके से और पूरी सुख के साथ हो। यहाँ की जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि से सभी धामों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को सब लोग सुकसल लौटें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी कोशिश हो रही है। संख्या मैंने कहा कि नियंत्रण से बाहर जा रही है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और इसलिए यहाँ तो सब पहले हरिद्वार में माथा टेक कर जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारे साधु समाज संत समाज अगर जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको थोड़ा बोला जाए कि भाई थोड़ा सरकार के साथ सहयोग करो, तो कम से कम हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का हम ठीक से निर्वहन कर सकेंगे। आज संतों का आशीर्वाद हमको मिला, और मैं जानता हूँ कि विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते
और आज मुख्यमंत्री के नाते कह सकता हूँ कि सदैव से भारतीय जनता पार्टी को संतों का आशीर्वाद मिला है, संतों का व्यापक स्नेह मिला है। और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो दूसरों को भी लगता है कि भाई संत चाहे जो सोचो ये भाजपा के नज़दीक, ऐसे स्वाभाविक मन में आता है। ऐसे पिछली सरकार ने यहाँ संतों के उस पर टैक्स लगा दिया था, आश्रमों पर टैक्स लगा दिया था। और जब हमारी सरकार बनी तो मैं यहाँ पर आया और हमने कहा हम इस टैक्स को समाप्त करेंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप बात है, उन्होंने टैक्स लगा दिया, हमने टैक्स समाप्त कर दिया, हमने कहा कहीं और से कर लेंगे इसकी प्रतिपूर्ति, साधु संतों पर क्यों भाई टैक्स लगाते हो। और इसलिए मैंने कहा कि उनको लगता है कि जितने भी भगवाधारी हैं ये तो भाजपा के साथ में है। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ से पनपी है और उस मिट्टी की सौंध, भारत की मिट्टी की जो खुशबू है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी उभरी है। ये कांग्रेस कोई अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कांग्रेस से नहीं हुई है, कांग्रेस तो देश की आज़ादी के जो दीवाने थे एक तरह से उनकी दीवानगी की हवा निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया था। और जब तक लोकमान्य तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे, कभी उन्होंने देश की आज़ादी की मांग नहीं की। आप पढ़ लीजिए, कभी देश की आज़ादी की मांग नहीं की। देश की आज़ादी की मांग उठी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तब कांग्रेस के अधिवेशनों में बात आने लगी। नहीं तो आप इतिहास का छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ, इतिहासकारों ने लिखा कि साल में इकट्ठा होते थे, चाय पकौड़ी खाई, समोसा खाया और अपना घर चले गए, ये होता था कांग्रेस के अधिवेशनों में। और इसलिए एक मैंने कहा कि स्वाभाविक लगाव संतों का, क्योंकि संत हमारी देश की मिट्टी में से निकली हुई परंपरा है, इस देश की मिट्टी में से निकली हुई एक परंपरा है जिसने दुनिया का मार्गदर्शन किया, विश्वगुरु कहलाया भारत। इसलिए विश्वगुरु भारत कहलाया कि हमारे संतों ने दुनिया का मार्गदर्शन किया। वसुधैव कुटुंबकम, आज कहते ग्लोबल विलेज, आज कहते पिछले कुछ दिनों से शब्द चल पड़ा है ये, और हमारे संतों ने कब कह दिया वसुधैव कुटुंबकम, कब कह दिया? सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह है, सारी सबके निर्माता जो हमको दिख रहे हैं, जो हमको नहीं दिख रहे हैं, चर अचर, सब एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। अभी दुनिया नहीं पहुंची वहां, हम बहुत हजारों साल पहले पहुंच गए, दुनिया वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसलिए भारत की श्रेष्ठ संस्कृति है, उस सभी श्रेष्ठ संतों का आज यहां पर मार्गदर्शन भी मिला, आशीर्वाद मिला, उनके दर्शन का लाभ मिला। मैं आप सबको एक बार प्रणाम करते हुए और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो यहां पर मलय देश से भी आए हैं, मलय देश था ये कभी, मलय आज मलेशिया हो गया, आज आप वहां से आए हैं और भी कोई विदेशों से आए होंगे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। बहुत बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संतों की ओर से आशीर्वाद।